कंटेम्प्रेरी डांस में आप एक कहानी को लेकर या आपके भावनाओं को लेकर नाचते हैं, तो एक तरह का वो शोइंग ऑफ नहीं होता, एक तरह का वो एक जरिया होता है अपने आप को दिखाना, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी जहाँ पर आप अपने आप को दिखाते हो, ना कि आप अपने आप को ऐसा डांस करना चाहते ताकि लोग समझें कि ओ यू नो मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी कभी कोशिश नहीं रहती है, लेकिन मैं इस तरह से नाचता हूँ या इस तरह से लोग बच्चों को नचवाता हूँ ताकि लोग उसको देखकर प्रेरित हों और उसको देखकर बोले कि यार मुझे इसकी ऐसा जो वो एहसास कर रहा है वो मुझे भी महसूस हो रहा है, तो ये मेरी कोशिश होती है कंटेम्प्रेरी। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जिस तरह तमाम रियलिटी शोज टीवी के ऊपर है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जजेस का आपस में झगड़ना, स्टेज छोड़कर चला जाना, हाँ। ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर टीआरपी है? Well, कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा है। हमारा मिजाज ऐसा नहीं है, हम तीनों जो हैं गीता, रेमो और माई सेल्फ, हमने जब डीआईडी सीजन 1 शुरू किया था तो हमने ये सब तमाशे देखे थे, हमने क्रिएटिव टीम को बोला था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, जो बच्चे आते हैं जो जिनमें टैलेंट नहीं है लेकिन जो मस्ती करते हैं और सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं उनको भी हम इज्जत के साथ बाहर करेंगे, लेकिन किसी को चप्पल नहीं फेंकेंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, किसी का हम कौन होते हैं कि किसी को इतना नीचा दिखाना। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज अ राइट टू टेक अवे एनीबडी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये हमने ठान ली थी, ना ही स्टूडेंट्स की तरफ बट इवन हम तीनों की तरफ, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है, कभी कभी संजीदा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अच्छे कंटेस्टेंट जो आपके हैं निकल जाते हैं।